हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 12th चैप्टर ऑफ सीबीएसई बोर्ड, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सो द चैप्टर डिफाइंस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली अबाउट द सर्कल्स एंड समथिंग दैट इज रिलेटेड टू इट्स एरियाज एंड ऑल। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी नीड सम इंट्रोडक्टरी पार्ट फॉर दिस चैप्टर। आई होप मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा, बट लेट्स गो, इट्स अ प्री रिक्विजिट दैट वी नीड फॉर दिस चैप्टर। ओके, सो एज वी नो दिस इज अ सर्कल। सर्कल इज मेड बाय दिस रेडियस आर। ओके, सो दैट इज जनरली ओ ए। ओके, सो ये जो उसको ये जो है ओ ए है, दिस ओ ए इज नथिंग बट दी, दिस ओ ए इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, दिस ओ ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद क्या होता है कि द नेक्स्ट वी हैव इज, अभी ये इसी लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया इधर से, आई हैव एक्सटेंडेड दिस लाइन एंड लेट्स से नाउ दिस इज बिकम्स, दिस पॉइंट इज बी। सो ये जो ए बी वाला पार्ट है, दिस ए बी इज नथिंग बट दी डायमीटर ऑफ द सर्कल। यू नो यू आर वेरी स्मार्ट पीपल। ओके, सो दिस ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। अब रेडियस और डायमीटर में रिलेशन क्या होता है, रेडियस और डायमीटर में रिलेशन क्या होता है, रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ डायमीटर। तो इससे क्या लिख सकता हूँ मैं, ओ ए इज नथिंग बट ए बी बाई टू। ओ ए इज नथिंग बट ए बी बाई टू, ये पता चल गया। नेक्स्ट, ये जो पूरा सर्क्यूलर पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में हम पेरीमीटर बोलते हैं, बट सर्कल के लिए क्या एक स्पेशल लैंग्वेज है, दैट इज कॉल्ड एज दी सर्कमफेरेंस। सर्कल के लिए एक स्पेशल लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड एज सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है, इट इज जनरली दी, ये जो पार्ट है ये ब्लैक लाइन जो तुम्हें दिख रही है, ये पूरा जो आर्क है जो सर्कल पूरा सर्कल का बाहर वाला पार्ट, इसका जो लेंथ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, सर्कमफेरेंस। ओके, सो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट 2πr, इट इज़ नथिंग बट 2πr, या तो इसको क्या बोल सकते हो, और पाई डी, और पाई डी, क्योंकि ये 2 इंटू आर क्या होता है, डी होता है, समझे। अब ये पाई जो है, दिस पाई इज नथिंग बट अ कॉन्स्टेंट, दिस पाई इज नथिंग बट अ कॉन्स्टेंट। अब ये कॉन्स्टेंट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि कॉन्स्टेंट इन द सेंस एट एनी, फॉर एनी गिवन सर्कल, फॉर एनी गिवन सर्कल, फॉर एनी गिवन सर्कल जो तुम्हारा सर्कमफेरेंस होता है सी, और डायमीटर उसका जो रेशियो होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, दैट इज नथिंग बट 3.14, दैट 3.14 इज नथिंग बट पाई, दैट 3.14 इज नथिंग बट योर पाई, समझे। सो दिस इज देयर। अब मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, सो एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट इट इज पाई आर स्क्वायर, इट इज नथिंग बट ये जो सर्कल होता है, सर्कल का एक कांस्टेंट वैल्यू, एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय द रेडियस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेडियस इज नथिंग बट द पाई आर स्क्वायर। दिस डिटेल डेरिवेशन की कहाँ से एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर आया, दिस इज नॉट नीडेड फॉर यू एज पर योर 10th स्टैंडर्ड इज कंसर्न। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ओके, सो ये सब हो गया अबाउट अ सर्कल, ये सब हो गया अबाउट अ सर्कल। Now if you want to learn about the another part, that is generally the semicircle, that is nothing but the semicircle। अब semicircle में को तुम क्या बोल सकते हो, let's say this is A B and this point is nothing but a C point। Okay, A B and this point is nothing but a C point। अभी इसका मुझे सर्कमफेरेंस निकालना है तो क्या होगा, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, इजी है।
सम ऑफ ऑल साइड्स करते हो फॉर पेरीमीटर्स, तो यहाँ भी सम ऑफ जो भी तुम्हें दिख रहा है उसका सबका समेशन करना है। सो एक तो हो गया ये बड़ा वाला पार्ट आर्क, दैट इज नथिंग बट सर्कमफेरेंस विल बी आर्क ए सी बी, बराबर लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी वो जो होगा वो, प्लस प्लस क्या होगा डायमीटर, दैट इज प्लस लेंथ ऑफ ए बी, ये मुझे दे देगा पूरा पेरीमीटर, सर्कम जो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस है वो, या पेरीमीटर जो भी बोलते हैं हम उसको, दोनों सेम ही है। सो आर्क ए बी क्या होगा, अभी सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, आधे सर्कल का क्या होगा 2πr बाय 2 प्लस लेंथ ऑफ डायमीटर इज, अब ये 2r है सो दिस इज 2r, बरोबर डायमीटर क्या होता है दिस इज r, दिस इज r, r प्लस r 2r, अगर इन टर्म्स ऑफ रेडियस लिख रहे हो तो, सो 2r 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज नथिंग बट r पाई प्लस 2, नथिंग बट r पाई प्लस 2, करेक्ट, दिस इज गोइंग टू बी द सर्कमफेरेंस ऑफ योर हाफ सर्कल, ओके। अभी इसका एरिया निकालना होगा, तो एरिया वेरी इजी, व्हाट इज गोइंग टू बी द एरिया, पूरे सर्कल का पाई आर होता है तो आधे सर्कल का कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2, और इसको ही तुम क्या कर सकते हो, यू कैन मेक अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ डायमीटर, जहाँ पे भी रेडियस है वहाँ पे तुम्हें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, बस डी बाई 2, यू जस्ट नीड टू सबमिट सब्स्टिट्यूट डी बाई 2 वेर एवर देर इज अ रेडियस, समझ रहे हो, तुम्हारा सब कुछ चेंजेस है, जहाँ पे भी रेडियस है जस्ट सब्स्टिट्यूट दैट बाय एस डी बाई 2 इफ यू वॉन्ट दैट थिंग्स इन टर्म्स ऑफ रेडियस। अब नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू सी इज अबाउट दी, द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू सी अबाउट इज दी अ सिंगल क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट, अभी क्वाड्रेंट क्या होता है, सपोज दिस इज अ सर्कल, सपोज दिस इज अ सर्कल, तो सर्कल को मैंने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, सो जो एक पार्ट होता है, ये जो एक पार्ट है, दिस वन पार्ट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ क्वाड्रेंट, दिस वन पार्ट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ क्वाड्रेंट, समझ रहे, दिस वन पार्ट इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेंट। नाउ अब सेम चीज, इसमें मुझे अगर सर्कमफेरेंस निकालनी है तो क्या होगा, बोलो जल्दी, अगर इसका मुझे क्या करना है, सर्कमफेरेंस निकालना है, सो क्या होगा, व्हाट इट इज गोइंग टू बी, जस्ट रिमेंबर, सो इसका होगा सर्कमफेरेंस जो तुम्हारा है, इट इज नथिंग बट ए, व्हाट इट इज गोइंग टू बी, बोलो बोलो जल्दी बोलो, बोल तो नहीं सकते, चलो हम कर देते हैं, दैट इज नथिंग बट दिस, लेट्स सी वी आर फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ दिस, सो पेरीमीटर इज नथिंग बट कितना होगा, पूरे सर्कल का कितना होता है 2πr होता है, 1/4 ऑफ सर्कल विल बी 1/4 डी मल्टीप्लाई बाय 2πr, बट इससे क्या होगा, सपोज ये ए है, ये ओ है, ये बी है, मुझे इससे क्या मिलेगा, सिर्फ आर्क ए बी का वैल्यू मिलेगा, मुझे किसका लेंथ मिलेगा ए बी, मुझे ए ओ और ओ बी का भी चाहिए, सो दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट ये एक रेडियस और ये दो रेडियस, सो इट इज गोइंग टू बी 2r, इट इज नथिंग बट 2r, सो इट इज नथिंग बट पाई, 2 1s are 2 2s are, तो इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट पाई आर बाई 2 प्लस 2r, दिस इज गोइंग टू बी द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट। अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है इसका, एरिया क्या होगा, सिंपली वेरी स्मार्ट पीपल यू आर, सो इसका 1/4 हो है, ये पूरा है, ये आधा है, ये 1/4 है, सो इट इज गोइंग टू बी 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, ईजी, समझ रहे हो, सो दिस इज द पार्ट फॉर द क्वाड्रेंट, ओके।
सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी इज एरिया ऑफ रिंग. द नेक्स्ट पार्ट फॉर दिस इंट्रोडक्टरी इज एरिया ऑफ रिंग. अब ये एरिया ऑफ रिंग क्या होता है? सपोज यू हैव अ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विच आई हैव मेड अवर हियर. दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक छोटा सर्कल और एक ये बड़ा सर्कल, करेक्ट. अब ये मेरा ओरिजिन है. द सर्कल विल शेयर अ कॉमन सेंटर इज वॉट यू कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल. द सर्कल विल शेयर अ कॉमन सेंटर. सो इसको क्या किया मैंने, अगर लेट से ये छोटा आर है एंड जो बड़े सर्कल का रेडियस है इट इज ग्रेटर आर, ओके. और ये जो है ये मेरा सर्कमफ्रेंस वन है, दिस इज माई सर्कमफ्रेंस टू. इफ आई एम आस्क्ड एरिया ऑफ रिंग अंगूठी, तो इफ आई एम आस्क्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग मतलब ये जो शेडेड रीजन है, दिस शेडेड वॉट एवर दिस रीजन इज देयर, इसका मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है. तो अभी ये कोई शेप तो है नहीं कि इसका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला वगैरह हमारे पास होगा, बट वॉट वी कैन डू इज वी कैन मेक वन फार्मूला फॉर आवर सेल्फ. अब कैसे करेंगे, अभी हमारे पास क्या है, दो सर्कल है. सो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल इज नथिंग बट, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल इज नथिंग बट पाई कैपिटल आर स्क्वायर. अभी मुझे बीच का रीजन फाइंड आउट करना है, दिस रीजन. सो कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं बड़े सर्कल में से, अगर मैं बड़े सर्कल में से इतना सा पार्ट काट के निकाल दूँ, इतना सा पार्ट क्या कर दूँ, काट के निकाल दूँ, तो कौन सा रीजन बचेगा, सिर्फ ये वाला रीजन बचेगा. सो इन शॉर्ट मुझे क्या करना है, बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस करना है. सो एरिया ऑफ रिंग, वो एक रिंग की तरह दिखने वाला है. सो एरिया ऑफ रिंग और एरिया ऑफ शेडेड रीजन यू कैन राइट एनीथिंग. सो एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी पाई आर, दैट इज एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल दैट इज स्मॉल आर स्क्वायर. नाउ पाई इज कॉमन, सो आई कैन टेक एरिया ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर, ओके. सो दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल. तो अगर तुम्हें और सिंप्लीफाई करना है तो यू कैन राइट पाई. नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी. सो आई कैन राइट पाई आर प्लस कैपिटल स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. सो इसका जो यूनिट होगा, सिंस दिस इज एरिया, तो हमेशा यूनिट स्क्वायर में ही होने वाला है, ओके. सो दिस वॉज द सम बेसिक थिंग दैट वी वर रिक्वायर्ड टू डू दिस चैप्टर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज सम, ओके. टिल देन जस्ट रिवाइज दिस व्हाटएवर आई हैव थॉट यू एंड देन वॉच द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.